देखिए मूल बात है कि कुंभ शब्द एक सात्विक शब्द है और जिस तरह से राजनीतिक दलों ने रैला रैली ठेला ठेली शब्द याद करके तो ये हुआ कि जिस तरह से समाज को दुर्भावित कर रहा है कुछ राजनीतिक दलों के लोग, जिस तरह से नौजवान हो या विभिन्न जातियों के लोग आपस में संघर्ष की स्थिति में है, इस कुंभ के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि देश सर्वोच्च है और युवाओं को जो समस्ता कुंभ लग रहा है, युवाओं का कुंभ है, उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि युवा अगर सही दिशा पाएगा तो ओबामा होता है और गलत दिशा पाता है तो ओसामा होता है। निश्चित तौर पे उन नौजवानों से समस्ता कुंभ के माध्यम से ये कहने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आपस में लड़ाई सांप्रदायिक से हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के देश और समाज का भला करने का, प्रदेश का विकास करने के लिए आगे आइए। नौजवानों से हम कहना चाहते हैं कि वो निश्चित तौर पे समाज और देश के भले के लिए एकजुट होकर किसी के बहकावे में न आके समाज के भलाई के लिए आगे आए। तीर्थराज प्रयाग में होने वाले कुंभ से पहले वैचारिक कुंभ होने की यहाँ परंपरा रही है और उस परंपरा को योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बार बढ़ाने का काम किया है। 5 महाकुंभ वैचारिक महाकुंभ आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें से काशी में पर्यावरण कुंभ किया गया, अयोध्या में समरसता कुंभ किया गया और वृंदावन में मातृशक्ति कुंभ किया गया और अब आज से कल तक 2 दिवसीय युवा कुंभ लखनऊ में हो रहा है। आखिरी कुंभ प्रयागराज में किया जाएगा जो समावेशी कुंभ कहा गया है और उससे देश को संदेश जाएगा। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ईटीवी।